नमस्कार, मैं हूं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। तो चलिए चलते हैं अब खबर की ओर। चौंकाने वाला खुलासा, जयपुर में एक मॉल में बनाए गए 200 से अधिक अश्लील वीडियो। जयपुर, पर्यटक युवतियों के अश्लील वीडियो बनाने के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी सुरेश कुमार यादव ने JLN मार्ग स्थित एक मॉल के बाहर ही करीब 200 से अधिक युवतियों के अश्लील वीडियो बना रखे हैं। एडिशनल DCP सुनीता मीणा ने बताया कि आरोपी वन पीस स्कर्ट और फ्रॉक पहनने वाली युवतियों के पैर और गर्दन के पास से अश्लील वीडियो बनाता था। वीडियो देखने से लगता है कि इसके लिए उसने काफी प्रशिक्षण लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हर सप्ताह सीकर से जयपुर आकर विभिन्न स्थानों पर जाकर वीडियो बनाने की बात कबूली भी है। आरोपी के मोबाइल में कई पर्यटन स्थलों पर युवतियों के बनाए गए अश्लील वीडियो भी मिले हैं। मीणा ने आरोपी द्वारा बनाए गए वीडियो ऑनलाइन बेचने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी ने खुद के देखने के लिए ही वीडियो बनाना कबूला है, लेकिन आरोपी से वीडियो बेचने के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बसों में भीड़ होने पर भी बनाता था वीडियो। एडिशनल DCP सुनीता मीणा ने बताया कि आरोपी बसों के अंदर खड़े रहकर सफर करने वाली लड़कियों के भी वीडियो बनाता था। आरोपी शादीशुदा और दो बच्चों का पिता भी है। चाट खाने में व्यस्त युवतियों को बनाता शिकार। आरोपी ने बताया कि बड़े मॉल में चाट दुकानों पर स्टील की ऊंची टेबल पर चाट रखकर खाने वाली युवतियों के भी वीडियो बनाता था। युवतियां खाने में मशगूल रहती थीं और आरोपी वन पीस स्कर्ट और फ्रॉक पहनी हुई युवतियों के वीडियो बना लेता था। गुजरात के लड़कों से सीखा। आरोपी ने बताया कि माउंट आबू में गुजरात के लड़कों के साथ रूम शेयर किया था, तब उन्होंने इस तरह के वीडियो बनाकर बेचने की बात कही और आरोपी ने माउंट आबू में गुजरात के लड़कों से ही वीडियो बनाना सीखा था।